हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीएलसी में जो अल्टीमा फार्म और अल्टीमा वॉलेट जो हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उन दोनों को कैसे एक दूसरे से मर्ज करना है, कनेक्ट करना है, इस पर हम पूरा लाइव आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी टेक्निकली हैं। और एक चीज़ यदि आप नहीं देख पाए और मिस कर दी तो आप वॉलेट, अल्टीमा वॉलेट और अल्टीमा फार्म को मर्ज नहीं कर पाएंगे, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और देखें गौर से। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये हमारा अल्टीमा वॉलेट है, इसको हम अल्टीमा वॉलेट कहते हैं, और ये इसी के पास में ये हमारा अल्टीमा फार्म है। ये दोनों चीज़ें हमको एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है, तभी हमारा आईडी बिल्कुल काम करता है। और एक वॉलेट में हम फ्रीजिंग कर सकते हैं अल्टीमा फार्म में, और वहाँ से जो पेमेंट पर मंथ हमारा बनेगा, जो कॉइन हमारे पास आते हैं हमारा फ्रीजिंग के बाद जो कॉइन बनते हैं, वो अल्टीमा वॉलेट पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और अल्टीमा वॉलेट से फिर हम वो पेमेंट या वो कॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, और अब हम चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर, जहां मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करके बताता हूं। दोस्तों, हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारा अल्टीमा फार्म और अल्टीमा वॉलेट है, तो हम सबसे पहले अल्टीमा फार्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने अल्टीमा फार्म पर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से हमारे ये स्क्रीन आएगा। तो राइट साइड में जो नीचे नेक्स्ट का निशान है, वहाँ हम क्लिक करते जाएंगे, और जब तक स्टार्ट का बटन नहीं आता तब तक क्लिक करते रहेंगे। जैसे स्टार्ट का बटन आया तो यहाँ पे ये लॉगिन विद प्लेटिन पासपोर्ट ये लिखा आ जाएगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो एक नया पेज खुल के हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर ये मेल आईडी और पासवर्ड हमको डालना है जो हमारा है, तो ये मैंने मेल और पासवर्ड डाल दिया और इसको लॉगिन कर दिया है। जैसे इसको लॉगिन किया तो यहाँ पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड आपके टेलीग्राम पे आता है, वो डाल के आपने इसको ओके किया है। तो जैसे ही ओके करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड होता है, जो पिन कोड हम बनाते हैं अल्टीमा फार्म कंप्लीट करते समय, वो हमको यहाँ पे डालना है। और यदि आप फिंगर से इसको करना चाहते हैं तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। मैंने इसको नो किया है तो ये अब पासवर्ड से चलेगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गो टू PLC वॉलेट, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब ये सीधा हमको वॉलेट पे लेके जा रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम करते जाएंगे जब तक स्टार्ट ना आ जाए। ये स्टार्ट आ गया, हमने इसको स्टार्ट किया है, और जैसे स्टार्ट किया तो हम इस यहाँ पे क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक नहीं करना है, हम क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्रिएट न्यू पर क्लिक किया है तो यहाँ पर हमें वही पासकोड डालना है जो 6 अंकों का हमने बनाया था। जैसे हमने पासकोड डाला, ये सेकंड टाइम 2 बार डालना है मींस, फिर क्रिएट ट्रांसपोर्ट पिन, वही पिन हमको यहाँ पे फिर से डालना है। यहाँ पे कई बार ये पिन हमको डालना होता है, हमने ये पिन डाल दिया है। पिन डालने के बाद में हम जैसे ही पिन कंप्लीट करते हैं और ओके करते हैं तो नेक्स्ट हमें करना है। यहाँ पे हमें इसका स्क्रीनशॉट ले कर रखना है, क्योंकि ये हमारे वॉलेट की की है। ये आप पास होगी तो आप कहीं भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना है और इसको संभाल के रखना है। हमने जैसे इसका स्क्रीनशॉट लिया, अब यहाँ पे ये स्कैनर आएगा, हम स्कैनर का भी स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, ठीक है। और स्क्रीनशॉट स्कैनर का भी लेने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। जैसे हम इसको ओके करते हैं, अब हम ये जो चौकोर निशान आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर क्रिएट न्यू करेंगे। और यहाँ पर अब ये मांग रहा है एंटर ट्रांसपोर्ट पिन, अब यहाँ पे हम पिन डालेंगे, वही पिन जो हम डालते हुए आ रहे हैं, वही पिन हमको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे पिन डालने के बाद में नीचे आप देख पा रहे होंगे स्कैन QR लिखा है, हम फिर इस पर क्लिक करेंगे और हमें QR स्कैन करना है। इसके लिए हमें करना क्या है, जो हमने अभी स्क्रीनशॉट लिया था वो स्क्रीनशॉट हमारे मोबाइल से हम किसी अन्य मोबाइल पर व्हाट्सएप द्वारा ट्रांसफ़र कर देंगे और वहां से इसको स्कैन करेंगे। जैसे कि मैं अभी आपको यहां पे दिखा पाऊंगा, ये देखिए मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया था वो स्क्रीनशॉट
एक अन्य मोबाइल पे मैंने उसको व्हाट्सअप कर दिया है। मैं व्हाट्सअप खोल रहा हूँ, जैसे कि ये मैंने व्हाट्सअप खोला और यहाँ पे देखिए ये ऊपर मेरे पापा जी का नंबर है, इस पर मैंने ये ट्रांसफ़र कर दिया था, ठीक है। ये अब यहाँ से इसको खोल के मैं अपने मोबाइल से इसको स्कैन कर लूँगा। ये देखिए हम स्कैन करके बताएंगे आपको। ये हम स्कैन करेंगे अब, ये देखिए हमने क्यूआर कोड पे जैसे ही क्लिक किया तो ये अलाउ मांग रहा है, हमने अलाउ पे क्लिक किया तो अब ये स्कैन हम खोल लिया है। और ये देखिए हमने इसको स्कैन कर लिया है, ये स्कैन हो चुका है और ऑटोमेटिकली स्कैन होने के बाद में वेरीफाई लिखा आ जाएगा, हम इसको वेरीफाई कर देंगे। अब इसको कंटिन्यू करना है, योर वॉलेट हैज़ बीन बैकड अप, ये बैकअप ले रहा है वॉलेट का, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो ये दोबारा से पासकोड मांगेगा, हमने पासकोड डाल दिया है और हम आ चुके हैं वॉलेट पे। अब हमें नीचे राइट साइड में सेटिंग का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, हम नीचे आके साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम साइन इन पे क्लिक करेंगे लॉगिन विद प्लेटिन पासवर्ड इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद हम लॉगिन करेंगे, वही मेल आईडी और पासवर्ड हमको यहाँ पे डालना है। ये देखिए मेल और पासवर्ड यहाँ पर मांग रहा है, हम इसको फिल करेंगे, मेल आईडी और पासवर्ड हमने फिल कर दिया और लॉगिन कर दिया है। तो यहाँ पे भी टेलीग्राम पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हमको यहाँ पे भरना है, वन टाइम पासवर्ड जिसको हम कहते हैं, तो वो हमने इसको फिल कर दिया और फिल करने के बाद में हम इसको कन्फर्म करेंगे। जैसे हम कन्फर्म करते हैं तो कन्फर्म करने के बाद एक नया पेज हमारे सामने ओपन होगा, यहाँ साइन इन की जगह लॉग आउट लिखा हुआ आ रहा है। अब हम ऊपर की ओर चलते हैं, यहाँ पे सेटिंग लिखा हुआ आएगा और सेटअप लिखा आएगा मैन वॉलेट, तो ये लिखा आ गया, हम यूज मैन वॉलेट पे क्लिक करते हैं। नीले कलर की जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है हम इस पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन और उसको हम ओके करते हैं, तो यहाँ सेटअप मैन वॉलेट की जगह सेटअप अल्टीमा फॉर्म ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा। यहाँ हमें कुछ समय रुकना और फिर इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे गो टू फार्म, अब हमें यह दोबारा से वापस फार्म पे ले जा रहा है, हम वापस फार्म पे आ चुके हैं और इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे हम वो अपना पिन कोड डालेंगे, पिन कोड डालने के बाद में ये ओपन हो जाएगा, ये फिर से पिन कोड मांग रहा है, फिर से हमें पिन कोड यहाँ पर डालना है, इनको डायमंड हमें इसको जनरेट करना है। नीचे जो लिखा है जनरेट ब्लू कलर की पट्टी में, वो जनरेट पर जैसे हमने क्लिक किया, ये हमारा एक और स्कैनर है, इसका भी हमें स्क्रीनशॉट लेके रखना है। ये हमारे तीन स्क्रीनशॉट हो जाते हैं, ये फार्म का स्क्रीनशॉट है और जो दो हम पहले ले चुके हैं वो वॉलेट के हैं। इस पर क्लिक करने के बाद बटन पर हमको इसको नेक्स्ट करना है, जैसे हम इसको नेक्स्ट करते हैं नया पेज हमारे सामने ओपन होगा। ये देखिए हमारा पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम नीचे सेकंड में राइट साइड में नीचे आप देख पा रहे हैं, यदि हम इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक करने के बाद में हम इस अल्टीमा फॉर्म का वॉलेट सॉरी एड्रेस हमें यहाँ से निकालना होता है। जब हम कॉइन इसमें फ्रीज करेंगे तो वो कॉइन उस एड्रेस पे ही हम भेजते हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं अभी सेटिंग पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा है टॉप अप माई फार्म, इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आपको ये एड्रेस दिख रहा है, इस पर जैसे क्लिक करके आप रखेंगे तो यहाँ ये कॉपी हो जाएगा और ये कॉपी करने के बाद हम इसको कहीं से भी किसी भी एक्सचेंज से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने वॉलेट को कंप्लीट करते हैं और इस तरीके से हमारा ये पूरा प्रोसेस रहता है। आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे नई वीडियो आने वाली उसका नोटिफिकेशन आप पर जल्द से जल्द पहुँचे।